1.5 लाख रुपए किलो की चाय कौन पीता है भाई? कहीं के राजा महाराजा ही पीते होंगे। बट एनीवेज, चलिए तो ये था यहाँ का टूर। अब मेरी भूटान की राइड शुरू हो रही है। तो पहले दिन हम यहाँ सिलीगुड़ी से फुंसोलिंग जाने वाले हैं, तो वही आपको देखने को मिलेगा। क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जितना भी पॉसिबल होगा मैं ज़रूर करूँगा। वहाँ पे इमिग्रेशन के क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं। बट एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यार, किसी भी जगह को देखना हो ना, तो कम से कम 2 विजिट तो लगती है। तो हेलो, हाय, खुशामदीद और नमस्ते जी। मेरा नाम है मयंक और ये है लाइफ ऑफ अ मंकी, यानी मेरी तुम्हारी हम सब की लाइफ। तो हमारा टारगेट था भूटान पहुंचने का सिलीगुड़ी से। तो अब आप देखिए कि हम लोगों के रास्ते में क्या हुआ, कैसा रहा। हाय मयंक, ऑल सेट? या ब्रो, ऑल सेट। चलो, वेटिंग फॉर द राइड टू बिगिन। होप इट इज एक्साइटिंग। या, एब्सोल्युटली एक्साइटिंग। काजल जी, हाँ जी, ये टूटा हुआ है ना, पहला गियर बहुत मुश्किल से लगता है। ये मैंने कहा पहले बता दूं। क्योंकि हमारी सवारी चल पड़ी है, अभी हम लोग रुकेंगे 50 किलोमीटर के बाद, जो कि लंच ब्रेक होगा। ऑलरेडी शायद हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। मुझे मिल गई है आज थंडरबर्ड, तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इसको बहुत लंबा टाइम चलाया है। जो बाइक मेरे पास थी पहले यहाँ पे 2 दिन सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए, दैट वॉज 500 क्लासिक, एंड यार उसकी सीट इतनी कम्फर्टेबल नहीं है, हैंडल बार भी लोअर है, तो यार दिक्कत तो होती है। तो जी, जैसा अभी आपने देखा कि हम लोग निकले हैं बागडोगरा एयरपोर्ट से, और आज हमें करीबन तय करना है 170-180 किलोमीटर के आसपास, और तब जाके हम फुंसोलिंग पहुंचेंगे। तो बड़ा लंबा सफ़र है, तो ये तो लग रहा है कि या तो हम टाइम से पहुंचेंगे, और नहीं तो हो सकता है लेट हो जाए, थोड़ा सा रात तक पहुँचे। बट एक बात है यार, रास्ते अच्छे हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बट वही बात है यार, ग्रुप में हैं, सबको साथ लेके चलना है तो टाइम लग सकता है। अभी रुके थे थोड़ा सा, बैकअप व्हीकल हमारा पीछे है, अभी तक आया नहीं है, देख सकते हैं आप, मिरर में शायद दिख रहा होगा, अभी तक आया नहीं है, तो उसी का इंतज़ार हो रहा था। मैकेनिक मेरे साथ आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारे बॉम्बे के दोस्त रेलवे लाइन पर फंसे हुए हैं। तो चलिए अब आपका टीम से इंट्रोडक्शन करवा दें। तो ये जो खड़े हैं बैग लटकाए, ये हैं हमारी कप्तान खुशबू जी, ये बात कर रही हैं मुरली साहब से, ये हैं दीपक और सोनल जी, उनके पीछे हैं रोहित और पारो जी, ये हैं मोहित भाई, पुलकित और सुगंधा, उसके पीछे हमारे ये रूममेट अमित जी, नीलकांत और रोजी जी, अपूर्व, सौम्या जी। क्या बात, बहुत बढ़िया, तगड़ा लाइनअप। ये हमारे मित्र कपिल जी, कैसे हैं? बस एकदम चकाचक, मजा आ रहा है। अरे बहुत मजा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? चलो गुड, अच्छी। ये काय को रुक गए यहाँ पे? अरे वो समझना, आ जाए इसलिए। अच्छा, आपकी राइड कैसी चल रही है सर? अमेजिंग मैडम, यू आर ओके? चलिए गुड है। ओहो यार, मेरे पास ना शब्द नहीं है बयां करने के लिए इस खूबसूरती। मतलब एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ जंगल है, सामने रास्ता है, रास्ते में हमारी मंजिल है। तो यार मज़ा ही आ गया यार इस राइड में। एक बात है यार, बंगाल में तो सड़कें बहुत बढ़िया हैं, और ना पेड़ पौधे इतने हैं कि मज़ा ही आ गया यार। आँखों को सुकून,
फेफड़ों को सुकून, शरीर को सुकून, सब चीज को सुकून ही सुकून मिल रहा है भाई। और हाँ, अब हम पहुंच रहे हैं जलपाईगुड़ी, जो कि हमारा लंच का डेस्टिनेशन है, तो अगले 5 मिनट में पहुंच जाएंगे वहां पे। पक्का? कितने ऑमलेट मिलेगा? 1, 2, 50 सबको एक देगा? देगा कि नहीं देगा? क्या बात, तो ला दो एक ऑमलेट ला दे। मिर्ची मिर्ची नहीं चाहिए? हाँ डबल। दो और लोग गर्मी से त्रस्त और अब जो है पेट पूजा का समय 3 बज रहे हैं घड़ी के अनुसार और हमें भूख लग रही है, बहुत जोर की भूख लग रही है। लेट्स सी क्या मिलता है। यहाँ तो सिर्फ चावल ही मिल रहा है भाई, रोटी के कोई आसार नहीं है। तो हम तो अंडा खा के गुजारा कर लेंगे, बाकी देखते हैं हमारे साथी लोग क्या कर रहे हैं। देखो सब यहाँ लाइन अप है, देखते हैं सब क्या क्या ऑर्डर करेंगे। कुछ अच्छा रहा तो हम वहाँ भी मुंह मार लेंगे। ये लो जी, एक और सैंपल ले लो। आप ये देखिए, थोड़ी देर से जंगल चल रहा है। मैंने कहा यार एक तो गड्ढा दिखे, हल्के फुलके तो चलो होते ही होंगे, मतलब यू नो सड़क थोड़ी ऊपर नीचे, एक गड्ढा नहीं है यार सड़क पे। बहुत बढ़िया काम किया यहाँ की सरकार ने। अब बाकी जगह का तो मुझे नहीं मालूम, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दिस थिंग। मतलब यूजुअली जंगलों में कोई इतना ध्यान देता नहीं है। रास्ते अमेजिंग, ट्रैफिक सेंस अमेजिंग, सिटी में हाल क्या हो पता नहीं। यार मुझे नहीं मालूम कि कैमरा ना जस्टिस कर रहा होगा कि नहीं, बट बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के। और जो आप ये देख रहे हैं ना, दोनों तरफ चाय के बगान, ये गुजरी चाय के हैं। हाँ जी मालिक। तो भैया ऐसा है, अब हो चुकी है शाम और इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि गोप्रो कुछ जस्टिस करेगा, कुछ दिखा भी पाएगा। बेचारे की लो लाइट परफॉर्मेंस बड़ी खराब है। तो जी अब अगला प्रसारण होगा फुंसोलिंग से, तब तक के लिए नमस्कार। तो हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं भूटान और आज की हमारी ट्रिप जो है यहाँ से फुंसोलिंग से थिम्पू की है। उससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट काम आज हमें करना है, जो है इमिग्रेशन, जो कि सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है, थोड़ा स्लो होता है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट, तो अब हम निकलेंगे इमिग्रेशन ऑफिस। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है और कब हम यहाँ से निकल पाते हैं। तो फिलहाल हम लोग होटल में रुके हुए हैं। यहाँ पे आप आ सकते हो अंदर जैसे आप शाम को पहुँच रहे हो, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस तो सुबह चालू होते हैं, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो और नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में जाके अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हो। तो दैट इज़ वन गुड थिंग। इसके लिए मतलब एंट्री होने के लिए आपको कोई एकदम से परमिट की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ फुंसोलिंग के आगे आप नहीं जा पाओगे क्योंकि उसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फुंसोलिंग में जो वीज़ा आपको मिलता है या परमिट आपको मिलता है, वो मिलेगा आपको थिम्पू और पारो का। बट जैसे हम जाने वाले हैं फुनाका करके एक जगह, उसके लिए आपको थिम्पू से परमिट निकालना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको पहले ही पता करके रखनी पड़ेंगी। पूरी आइटिनरी आप बना के रखिए ताकि इट बिकम इजी फॉर यू ये आइडेंटिफाई करने में कि आपको कौन कौन सी जगह जाना है और उसके परमिट कहाँ से मिले। तो दोस्तों अभी हम लोग थे इमिग्रेशन ऑफिस में और वो हमारा काम हो चुका है, काफ़ी फास्ट हो गया 1 घंटे में। एक्चुअली आपको भूटान जब आते हो यहाँ पे एजेंट लेना पड़ेगा एंड एजेंट्स गेट योर वर्क डन वेरी फास्ट। भी किसी एजेंट को हायर कर लीजिए। अब हम तो ग्रुप के साथ आए हैं, हमें आसानी हुई है, एजेंट ने फटाफट काम करवा दिया और विद इन 1 आवर अभी 10 बज रहे हैं और 9 बजे के आसपास हम लोग अंदर घुसे थे। तो हम लोग 25 लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा करके टाइम लगा, बट सबका हो गया एंड अभी बस यहाँ घूमेंगे। इन द मेन टाइम जो हमारा एजेंट है वो बाइक का परमिट निकाल लेगा और उसके बाद हमें बोला गया है कि 12 बजे टू रीच होटल सो दैट वी कैन स्टार्ट फॉर थिम्पू। अच्छा एक चीज़ और, फिलहाल मैं बैठा हूँ पंजाब नेशनल बैंक ATM के बाहर। तो ये जो ATM है ये पंजाब नेशनल बैंक का ATM है और ये इमिग्रेशन ऑफिस के बहुत बाजू में है, तो आपको यहाँ पे फटाफट जो है करेंसी मिल जाएगी, आपके इंडियन कार्ड्स भी आराम से चलेंगे, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, है ना। तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ ताकि आप ये सोचें कि करेंसी नहीं है तो क्या होगा, बट आइडियली आप
500 के नोट चल जाते हैं यहाँ पे आराम से, 2000 के नहीं चलेंगे। इंडियन करेंसी आप लेके आइए, थोड़ा सा ज्यादा लाइए क्योंकि यू नो मे बी अराउंड 5-10,000, तो 10,000 के आसपास रखिए। हमने भी उतना ही रखा है, एक हफ्ते की ट्रिप है। अब देखते हैं कि उसमें से कितना खर्चा होता है और जैसा ऐसा होता है वो मैं आपको अपडेट करता चलूंगा। तो चलिए अब रास्ते में मिलेंगे, है ना। यहाँ का काम तो निमट गया, थोड़ा सा भूटान देखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं फुंसोलिंग के। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डे वन का वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे जहाँ पे हमारी थिम्पू की जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, अलविदा एंड वेलकम टू वानर सेना। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और ये देखो मेरे को क्या पहनना आ दिया, हाफ स्लीव शर्ट से यहाँ पे अलाउड नहीं है, थोड़े से दखियानुसी लगी मेरे को कुछ चीज़।